हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय ज़ेनिक्स बैक विद अ वीडियो एंड मैं आ चुका हूँ एक और नई बहुत ओपी गेम प्ले लेके। सो गाइस, ये वाला गेम प्ले भी बहुत मस्त होने वाला है। एक्चुअली मैं यार क्या हुआ ना, आई एम सॉरी कि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। एक्चुअली 3 दिन का गैप पड़ गया, क्योंकि यार ये गैप वैसे मैं होने नहीं देता, मैं डेली एडिटिंग करता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो आपको पता होगा मैं डेली वहाँ मोंटेजेस डालता रहूँ, लेकिन यहाँ गेम प्लेज इसलिए नहीं डाल पा रहा यार। उसके 2 रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 2 रीज़न क्या है यार, पहला रीज़न ये है कि मैं खेलता हूँ एस लॉबी में, एस क्राउन लॉबी में। तो इस लॉबी में क्या होता है ना, मतलब सबके सब मतलब डिसेंट प्लेयर्स होते हैं, कोई नूब प्लेयर नहीं आता उसके अंदर। तो एक्चुअली क्या होता है, आप अंधा तो कहीं घुस नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अंधा रश करोगे तो आप ही मरोगे, क्योंकि वो सामने क्या पता आपको सामने वाली स्क्वाड कैसी फील्डिंग लगा के बैठी और आप कैसे घुसोगे, क्या पता कोई आपको राइट से पड़े लेफ्ट से पड़े, तो आप ऐसे अंधा तो नहीं घुस सकते। तो अंधा भी अगर हम घुसेंगे तो हम ही मरेंगे, इसलिए उस वजह से ज़्यादा किल्स नहीं करोगे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे पास जो मेरी स्क्वाड है उसमें एक से एक किलचोर टीममेट्स हैं, इस वजह से मेरे किल्स नहीं निकल पाते। एक्चुअली क्या होता है ना, हर मैच हमारा ना किल्स कंसिस्टेंसी फुल स्क्वाड की रहती है 15 से 20 किल, मतलब फुल, मेरी नहीं कह रहा स्क्वाड की कह रहा हूँ। तो स्क्वाड वाइज किल्स रहते हैं, ये एस लॉबी की बात कर रहा हूँ मैं, 15 से 20, जिनमें से मुश्किल से मेरे को अगर 6-7 भी निकल जाते तो बहुत बड़ी बात होती है, 9-10-11 किल ऐसे निकल जाते हैं मेरे निकल जाते हैं। तो अब मैं 10-11 किल का गेम प्ले डालूंगा तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कैसे कैसे कमेंट्स आने वाले हैं। मतलब लिटरली लोग गालियाँ भर देंगे कमेंट्स में कि भाई नूब नूब नूब, क्या यार क्या 11-12 किल्स के गेम प्ले दिखा रहा है, ये तो हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इस वजह से यार मतलब मैं हमेशा ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकाल के उन्हें गेम प्ले में डालने का। तो इस गेम प्ले की क्या खासियत है कि इसमें मैं नहीं खेल रहा हूँ अपने टीममेट्स के साथ, यस गाइस, मैं खेल रहा हूँ रैंडम्स के साथ, एंड यू नो हाउ रैंडम्स आर लाइक। सो देख ही सकते हो यार, अब बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। तो यार एक इंट्रो हो जाए फिर बात करेंगे। So before starting the video, hit that red subscribe button and hit the bell notification icon. Alright guys, so अब क्या हुआ था ना, यहाँ पे मैं खेल रहा था रैंडम्स के साथ और ये क्रैंगल का गेम प्ले है। अब यहाँ मैं उतरा था एंशिएंट टेंपल पे जो कि हॉट ड्रॉप ट्रेंडिंग है, और यहाँ पे मुझे फटाफट से M4 मिल गई। तो यहाँ एक बंदा मुझे दिखा तो मैंने इसको लपेट दिया हाल के हाल। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे मुझे एक बंदा नॉक दिखा तो मैं सबसे पहले इसको मारने आया। अब यहाँ एक बंदा पता नहीं क्या हुआ शॉटगन लेके मेरे में घुस गया, बट इसका पिंग बहुत ज़्यादा हाई था, हद से ज़्यादा हाई था। एंड अच्छा हुआ इसकी जो पिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, वरना मैं भी निकल जाता, मेरी M4 रीलोड पे थी। अब यहाँ एक बंदे ने हमारे नंबर 3 को कर दिया नॉक, और उसने बिल्कुल ही अंधा रश पे खेल दिया, जैसे उसको लगा कि अंदर कोई नहीं है, बट एक्चुअली मैं था पूरे कवर देने के लिए रेडी। तो घुसते ही मैंने उसको मार दिया। अब यहाँ उसको रेव मिल रहा था। तो अब क्या हुआ ना, यहाँ पे जो 2 स्क्वाड्स आई थी वो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। यहाँ मेरे को फुटस्टेप्स आए तो यहाँ पे एक बॉट है जो ओपन में भाग रहा था, तो मैंने इसको आराम से नॉक कर दिया। तो अब थे 2 मिनट 30 सेकंड, हम वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ऊपर जाएं, और सब कुछ तो मतलब यहाँ पे डन हो चुका था। उसके बाद ये बॉट मारती मुझे सामने से आया थोड़ा साउंड शूटिंग का। तो जैसे ही मैंने वहाँ की तरफ देखा तो मैं क्या देखता हूँ, एक बंदा ओपन में भाग रहा है। तो मैंने निकाली DP विद 4x और दे दिया तगड़ा स्प्रे, एंड वो वहाँ पे जाके हो गया नॉक। अब मैंने उसको नॉक करके पूरा बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, मैं M4 पे 4x लगाया, रीलोडिंग का टाइम भी नहीं लिया, और सीधा मैंने उसको खा लिया। सो अब मेरे यहाँ पे बहुत प्यार से हो चुके थे 6 किल। उसके बाद मैं यहाँ से वापसी जा रहा था, और मैंने मतलब इनको लूटने आया था अच्छे से। एक दिन फिर मेरे पे हुई शूटिंग और मैं ही लिटरली फट के 16 हो गई, क्योंकि मैंने देखा यार ये एकदम से रियल बंदा आ तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ मैंने जस्ट भी रियल बंदा मारा लेकिन एक्चुअली ये था बॉट। ओके, तो अभी क्या है, अभी 27 बंदे अलाइव थे, 7 बंदे मतलब मैंने मार दिए थे। और अब क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक्चुअली नंबर 3 की पेटी बन चुकी थी और मैं गाड़ी ढूंढ के ला रहा था, तभी यहाँ पे एक गाड़ी स्पॉट हुई जिसमें फुल स्क्वाड थी। अब इन पे शूटिंग कर दी नंबर 3 ने तो ये रुक गए, तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाई लेकिन वो फेल हो गई। अब इन्होंने बीच में गाड़ी रोक दी, अब ये बंदा पता नहीं, मुझे लगा नॉक हो जाएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको मारना, लेकिन नहीं हुआ तो मैंने इसको फिर दोबारा रिलोड करके मारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चले गए सबके सब ऊपर, और ऊपर लगा के बैठ गए फील्डिंग तगड़ी वाली। अब ये देखो, ये इतनी गंदी उन्होंने कैंपिंग शुरू कर दिया, नंबर 1 है उसने मेरा किल कंफर्म कर दिया। अब वो आया भगता हुआ, उसने एक और नॉक कर दिया, उसने एक बॉट नॉक करा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया बहुत ही तगड़ी जगह पे। गाइज़, अगर आप इस स्क्वाड्स में नॉक होते हो बान उसमें, तो यार ये जगह एकदम सेफ़ है। यहाँ लिटरली कोई मतलब कोई सोचता भी नहीं कि एक बंदा यहाँ होगा, मतलब लिटरली देखा आपने, एक बंदा मेरे जस्ट सामने से निकल गया, उसने मेरा ध्यान ही नहीं दिया,
लेकिन यही बात है, अब यहाँ क्या हुआ, नंबर वन ने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में कर दिया रश, और यहाँ उसकी मतलब ऑलमोस्ट उस बंदे ने इसको मार दिया, और अब उस बंदे ने कर लिया था मेरे को ईजिली नोटिस, तो मैंने इसको यहाँ पर स्प्रे दिया। अब ये दूसरे वाले ने भी कर लिया था, तो मैंने यहाँ पर पहले इसको नॉक करा, फिर दूसरा वाला मेरे पर रश कर रहा था, इसको भी मैंने मार दिया। सो यहाँ मेरे बड़े प्यार से हो गए 10 kill एंड देयर वॉज अ ईजी क्लच क्लच। और अब 6 बंदे अलाए थे, इतने मैं इसको रैप दे रहा था, मेरे को दिखा एक बॉट, मैंने इस बॉट को मारा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भी एक नंबर का किल चोर है, तो ये भी मेरे किल चुरा लेगा, इसलिए मैंने इस बॉट को रैप देने से पहले बॉट को मारा। अब हम यहाँ आ गए थे फार्म के पास, और एक बगी वाला बड़ी देर से हमें यहाँ परेशान कर रहा था, तो मैंने इसको पट से बॉडी शॉट दे दिया, लेकिन एक्चुअली ये हेड शॉट हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगा। अब उसने क्या सोचा, मतलब वो और बगी घुमाएगा तो इजीली मरा जाएगा, लेकिन इसलिए उसने अच्छे से स्टोन्स के कवर में रुक के हील करने का सोचा। तो यहाँ पर मैंने और नंबर वन ने कर दिया रश डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर गाड़ी रोक दी और नंबर वन गया राइट से, और उसने एकदम से नंबर वन को मारने की ट्राई की, मैंने इसको मार दिया। तो यहाँ हो गए बड़े ईजिली 12 kills। ओके, तो मोस्टली मतलब सेकेंड लास्ट जोन में आ चुके थे, और अब मैं यहाँ पे बंदे ढूंढने के लिए हम शेल्टर आ गए। तो यहाँ जैसे ही मैंने बंदे स्पॉट करने के लिए मैं निकला, तो मेरे को पड़ गया एक शॉट कार 98 का। अब मैं उस बंदे को ढूंढ रहा था बिना हील करे कि उसने मारा गया, ये लोग चढ़ रखे थे कतई ऊपर। अब मैंने यहाँ पे एक फुद्दू शॉट मारा, लेकिन वो लगा नहीं। अब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में ढूंढ रहा था मुझे, लेकिन मैंने इसको झाड़ के अंदर ही अंदर इसको नॉक कर दिया। अब मैंने एक सेकंड भी वेट नहीं करा, ये जान दो ये वहाँ पूरी स्क्वाड है। मैं स्टिल नंबर वन को जल्दी से बिठाया, नंबर वन बैठा ही नहीं। मैंने सोचा यार वो ये पता नहीं कि क्या पंतियाँ कर रहा था, तो मैंने छोड़ के ही चला गया, क्योंकि इतनी जल्दी वो रैब हो जाएगा, और अगर वो रैब हो गया तो फिर हमारे लिए ही दिक्कत पड़ सकती है। तो मैंने यहाँ घुस गया, और वो अभी तक रैब नहीं हो पाया था, इस बंदे को मैंने कर दिया नॉक। अब यहाँ पर ये दोनों बंदों को मैंने पूरा खाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि नंबर वन है दूर। अब नंबर वन ने कर दिया था टेंपल के अंदर नॉक, तो मैंने भी रश कर दिया बिल्कुल अंधा। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा, तो वो एक बंदा कोने के अंदर कितने कोने में हील कर रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे इजीली मार दिया, एंड देयर यू गो विद 15 kills। Now we have come to the last zone and it is a 2v4 situation, जिसमें सामने पूरे के पूरे 4 बंदे और हम सिर्फ 2 ही हैं। तो यहाँ मैं बड़ी देर से एक बहुत ओपी स्नाइपर के साथ प्रैक्टिस कह रहा हूँ स्नाइपिंग कर रहा था। मतलब वो सामने वाला भी बहुत सही स्नाइपर था यार, देखो उसने नॉक कर दिया मेरे को। मतलब मैं उसको बॉडी दे रहा, कभी वो मेरे को बॉडी दे रहा, बॉडी 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 ये सब चले जा रहा था। अब मैं क्या हुआ, यहाँ पे मैं हो गया नॉक, और ये मेरा शायद से दूसरा तीसरा नॉक है उस स्नाइपर के साथ। तो मुझे पता था वो ये जानते हैं कि हम 2 ही हैं और वो पूरी स्क्वाड है, तो वो रश कर सकते हैं। और एक्चुअली मतलब उन्होंने इतनी देर तक किया नहीं, तो मुझे अब तक फील आ गई थी कि वो रश कर ही नहीं रहे, उन्हें लग रहा है कि हम ज़्यादा हैं। मतलब ज़्यादा है उन्हें ये तो पता है कि अगर वो 4 हैं तो हम 2 ही हैं, लेकिन पता नहीं कि वो रश कर नहीं रहे थे। लेकिन एक्चुअल में मैं गलत था, वो ऑलरेडी रश कर चुके थे, इस बार ही रश कर चुके थे, और मुझे लगा उन्होंने इस बार भी रश नहीं करा। तो मैं ऊपर गया जल्दी से भागता हुआ, पर यहाँ आके मैं उन्हें सामने की तरफ दोबारा स्पॉट करने का ट्राई करने लगा। मुझे लगा वो अब भी वहीं है, लेकिन एकदम से मेरे को आया एक और ओम का शॉट, जो कि मेरी बॉडी पे पड़ा, वो मेरी वेस्ट जो थी पूरी की पूरी चली गई। अब मैं यहाँ पे बचा, अब नंबर वन ने पता नहीं क्या हरकत करी, गाड़ी के अंदर बैठ गया, और गाड़ी के अंदर बैठा उसको लगा कि कोई, और सामने से पूरी स्क्वाड ने कर दिया था रश। अब यहाँ पे मैंने एक बंदा यहाँ पे डाउन कर दिया, मैंने इसको पूरा खाने की ट्राई में मैं यहाँ पे मारा गया। और कोई बात नहीं यार, यहाँ पे हम #2 आए, एंड देयर वॉज अ ईजी नाइस गेम प्ले यार आप लोगों के लिए मैं लेके आया। अगर ऐसे ही गेम प्ले और चाहिए तो सब्सक्राइब करो यार इस वीडियो को, लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।